ये तस्वीरें अररिया के रानीगंज इलाके में स्थित आईटीआई कॉलेज की हैं, जो 18 करोड़ 69 लाख 70 हजार रुपए की लागत से बनाया गया है। इसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार समेत तत्कालीन डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद और तत्कालीन श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने 5 मई 2022 को किया था। कॉलेज की बिल्डिंग बनने के साथ ही सत्र की शुरुआत हो गई। अभी 120 छात्र नामांकित हैं और उनकी क्लास भी चलनी शुरू हो गई है, लेकिन कॉलेज में सुविधाओं के नाम पर छात्रों के साथ मजाक किया जा रहा है। पढ़ाई तो रेगुलर बेस पर नहीं होता है। एक शिक्षक हैं प्रोफेसर जो कभी आते हैं, यहाँ के लोग बता रहे थे, आज तो आए हैं और यहाँ बहुत तरह का दिक्कत है। बिजली नहीं है, 6 महीना से लगभग किसी तरह काम चलता है। कंप्यूटर वगैरह भी जो है जनरेटर पर चलता है, कभी नहीं चलता है। यही पोजीशन है मेरा जुला के। सड़क नहीं है, मतलब पहुँच पथ जो होना चाहिए वो मुख्य सड़क से यहाँ तक पहुँच पथ नहीं है। प्राइवेट ज़मीन में जो है किसी तरह आता है, कीचड़ वगैरह रहता है, दिक्कत है। पहुँच पथ पहले होना चाहिए, यही सब थोड़ा दिक्कत है। बिजली नहीं लगने के पीछे क्या कारण है? शुरुआत में जो है ठेकेदार के द्वारा लगाया गया था, लेकिन फिर वो जब से हटा लिए उसके बाद से अभी तक नहीं लगाया गया है। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि सभी टीचर कंटिन्यू आ रहे हैं और पढ़ाई हम लोगों का प्रॉपर हो रहा है। और पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल भी, जैसे हम लोग फिटर ट्रेड के स्टूडेंट हैं तो वर्कशॉप में कंटिन्यू प्रैक्टिकल होता है, सभी दिन लगभग हो ही जाता है। कुछ एक दो दिन हम ही लोग जो बोलते हैं कि सर हम लोग थक गए हैं या आज नहीं करना है, तो उसी दिन, नहीं तो पढ़ाई और प्रैक्टिकल दोनों को लगाते हैं। दिक्कत कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ ये होता है कि कॉलेज थोड़ा अंदर है तो दिक्कत नहीं होता। मतलब कि पहले जैसे कि पहले आते थे पैदल आना पड़ता था, तो अब उस प्रकार की जो है दिक्कत नहीं होता। साइकिल से आते हैं, कुछ खास बात नहीं, मतलब कि आते हैं, जैसे कि कहीं पर भी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा तो कष्ट होगा। ये करोड़ों की लागत से कॉलेज का निर्माण तो हो गया, लेकिन कॉलेज में ना तो अब तक बिजली लगी है और ना ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था है। इतना ही नहीं, क्लास से लेकर परिसर तक की साफ सफाई भी नहीं हो पाती है। अब बिना बिजली के तकनीकी शिक्षा कैसे हो रही होगी, ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिकल क्लास के लिए बिजली का होना निहायत ही जरूरी है, लेकिन फिलहाल छात्रों के पास कॉलेज के नाम पर एक चमचमाती बिल्डिंग है। हालांकि जब कॉलेज भवन का निर्माण हो रहा था तब यहाँ बिजली की सुविधाएं थी, लेकिन विभाग को भवन सुपुर्द करने के साथ ही संवेदक ने बिजली कनेक्शन काट दिया और तब से अब तक कॉलेज में बिजली नहीं है। अब यहाँ की बदइंतजामी को लेकर प्रिंसिपल का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। अभी इंस्टॉलेशन के मूड में है, अभी आपका संस्थान ये इंस्टॉलेशन में है। इंस्टॉलेशन मतलब जितनी भी मशीनें हैं उसको एज पर नॉर्म्स के अनुसार उसको बिल्डिंग में जगह दिया जा रहा है और उसको जल्द से जल्द एपोपरेट करके चलाया जाएगा। ऑलरेडी कंप्यूटर तो ऑलरेडी पढ़ाई हो रही है, कंप्यूटर हमारे यहाँ ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है और हमारे बच्चे कंप्यूटर पढ़ते हैं। ठीक है, छात्रों की समस्या सिर्फ कॉलेज तक नहीं है, दरअसल कॉलेज तक आने जाने के लिए रास्ता भी ठीक नहीं है, जिससे छात्र और शिक्षक को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। रानीगंज जैसे इलाकों में आईटीआई कॉलेज के खुलने से लोगों में उम्मीद जगी थी कि इलाके में तकनीकी शिक्षा का विस्तार होगा और यहाँ के छात्रों को पढ़ाई के लिए अब दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन उद्घाटन के कुछ ही महीने बाद ही कॉलेज की दुर्दशा ने ग्रामीणों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। उम्मीद है कि शासन प्रशासन की नज़र कॉलेज की बदइंतजामी पर पड़ेगी और छात्रों की समस्या का समाधान होगा। अररिया से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार, झारखंड।